केंद्रीय आम बजट 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनाने के सपने को पूरा करने की राह पर अग्रसर करेगा। हमीरपुर में जारी प्रेस विज्ञप्ति में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि इस बार का बजट बहुत ही संतुलित एवं बढ़िया है तथा ये बजट बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है। गांव में गरीब और किसान के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। भारत की संसद में रखे गए बजट में गांव और शहर दोनों के ही विकास का ध्यान रखा गया है। वक्त की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा नीति के बारे में बड़े विस्तार से बात की गई है। युवा पीढ़ी के लिए स्टैंडअप और स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। ब्याज में राहत देने की बात कही गई है। अनेकों सुविधाएं जो भारत के आम नागरिकों को प्राप्त हो रही थी उन्हें और आगे बढ़ाया गया है। गृह निर्माण के लिए दिए जाने वाले ऋण को भी सस्ता किया गया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस तरह की अनेकों योजनाएं इस बार के बजट में कही गई हैं, जो आम नागरिक को लाभान्वित करेंगी तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी। उन्होंने कहा कि जब बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा तब निश्चित रूप से देश में विकास तीव्र गति से दौड़ेगा। ऐसे संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए वे केंद्रीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं एवं बधाई भी देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि अब निराशा के वातावरण से बाहर निकलकर भारत अब तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आने वाले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिकी को $5 ट्रिलियन का बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसे प्राप्त करके भारत विश्व में नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। विश्व भर में भारत का स्थान और ऊंचा उठेगा। ज्वालामुखी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक प्रबंधन द्वारा संचालित एंट्री मशीन स्थापित की गई। मशीन के बारे में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक रोहित शर्मा ने बताया कि उक्त मशीन के स्थापित होने से बैंक में केवल पासबुक में एंट्री करने वाले उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी और वे किसी भी समय बिना किसी बैंक कर्मचारी के सहायता से अपनी पासबुक अपडेट कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को सभी आधुनिक सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है एवं समय के साथ साथ परिसर में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी ना हो। सोलन में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने चंबा घाट क्षेत्र में धार्मिक पोस्टर लगाए। ये बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और कहा कि क्रिश्चियन मशीनरी सोलन में लगातार काम कर रही है और वह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। वे उनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और गलत ढंग से उन्हें क्रिश्चियन बनाने में लगे हैं। इसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल SDM सोलन विवेक चंदेल से मिला और शहर के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन के चंबा घाट में
विशेष समुदाय द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं जो कि बेहद गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोलन शहर में बाहरी राज्यों के लोग बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने कार्यकारी उपायुक्त विवेक चंदेल को ज्ञापन सौंपा है ताकि अवैध रूप से सोलन में रह रहे लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके।